नोएडा एमएलए पंकज सिंह के मंत्री नहीं बनने की वजह क्या है? क्या राजनाथ सिंह का बेटा होना ही सबसे बड़ा कारण? महाभारत काल से ही जो सत्ता की लड़ाई शुरू है वो कलयुग तक जारी है। बिहार से लेकर यूपी तक, यूपी से लेकर बंगाल तक सत्ता की लड़ाई जबरदस्त है। सत्ता वो अमृत है जिसे हर नेता एक बार चखना चाहते हैं। पहले राजतंत्र हुआ करता था जिसमें राजा का बेटा ही राजा होता, लेकिन आजादी के बाद नियम में बदलाव आया और सत्ता तक हर किसी की पहुंच होने लगी, जिसे लोकतंत्र कहा गया। लेकिन देश के नेताओं ने उसमें भी राजतंत्र घुसा दिया। धीरे धीरे भारत के लोकतंत्र में नेता का बेटा नेता, ये नया कॉन्सेप्ट जन्म ले चुका था। राजनीति को परिवारवाद ने अपने जद में ले लिया। कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसी पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगने लगे। यहां तक कि बसपा और टीएमसी भी परिवारवाद से अछूते नहीं रह पाई। लेकिन इस देश में कई ऐसे नेता भी हैं जो परिवारवाद को नकार रहे हैं। इस मामले में बीजेपी सबसे ऊपर है, जहां परिवार नहीं नेता को तवज्जो दी जाती है। यही कारण है कि रीता बहुगुणा जोशी के बेटे को टिकट नहीं मिल पाया। तो 2019 में कृष्ण आडवाणी ने बेटी को टिकट देने से मना करवा दिया था। शायद यही वजह है कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह मंत्रिमंडल में जगह नहीं पा सके। दावा किया जा रहा है कि 1,81,000 वोटों से यूपी में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने वाले पंकज सिंह इस बार मंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। पंकज सिंह को मंत्री नहीं बनाने के पीछे कुछ राजनीतिक विश्लेषक परिवारवाद को मुख्य वजह मानते हैं। वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं, पंकज सिंह उनके सुपुत्र हैं। परिवारवाद का ठप्पा ना लगे, शायद इसलिए पंकज को मंत्री ना बनाया गया हो। वहीं लखनऊ के बड़े पत्रकार यहां तक दावा करते हैं कि मंत्रिमंडल में उनका भी नाम था, उनको शपथ के लिए न्योता भी दे दिया गया था, ऐन वक्त पर मामला बिगड़ गया। दावा है कि जब बेटे के मंत्री बनने की खबर राजनाथ सिंह को मालूम चली तो उन्होंने लिस्ट से पंकज सिंह का नाम हटवा दिया। एक तरफ यूपी के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता पुत्र मोह में मंत्री पद छोड़ दिया, तो दूसरी तरफ राजनाथ सिंह ने मिसाल कायम कर दी। अपने पिता की तरह पंकज सिंह भी बेहद ही ईमानदार छवि के हैं। नोएडा में तो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, खासकर कार्यकर्ताओं का बहुत ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि 1,81,000 जैसे भारी अंतर से जीत हासिल की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राजनाथ सिंह से देश की दूसरी पार्टियां सीख लेंगी? नेशनल डेस्क, न्यूज़ लाइव।